आपको काला रंग कभी नहीं पहनना चाहिए। रंग आपके अंदर ऊर्जा के काम करने का तरीका और मानसिक स्थितियां तय करते हैं। आदियोगी को कई तरीकों से जाना जाता है, पर उनका एक आयाम ये है कि वे वैरागी हैं, या कहें बैरागी हैं। राग मीन्स कला, वैराग मीन्स टू गो बियॉन्ड दैट व्हिच इज कला। राग यानी रंग, वैराग मतलब रंगों से परे चले जाना, क्योंकि जहाँ तक हमारी आँखों का सवाल है, हमारी आँखें रंगों को सिर्फ सफ़ेद प्रकाश के बिखराव के रूप में पहचानती हैं। कोई चीज़ लाल इसलिए नहीं दिखती कि वह लाल है, बल्कि इसलिए दिखती है कि वह सफ़ेद प्रकाश में मौजूद सभी रंगों को अपने पास रखकर सिर्फ लाल वापस देती है, या दूसरे शब्दों में जो वह वापस फेंकती है वही उसका रंग बन जाता है। यानी हमारा बोध बिल्कुल गलत है, हमें लगता है कोई चीज लाल है, पर वो लाल के सिवा सब कुछ है। वो लगती लाल है क्योंकि वो सिर्फ लाल प्रकाश वापस देती है, बाकी वो अपने पास रखती है। तो कोई चीज सफेद है क्योंकि वो सब कुछ वापस दे देती है। तो अगर आप ऐसे स्थानों या स्थितियों में जाते हैं जहां की चीजों पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, तो हमेशा सफेद की सलाह दी जाती है। बाहर जाएं तो सफेद पहनें, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है, आप नहीं जानते कि आसपास क्या हो रहा है, आपको नहीं पता कि किस इंसान के मन में क्या विचार और भावनाएं हैं। तो सफेद आपको एक तरह की सुरक्षा देता है, क्योंकि ये सब वापस फेंक देता है, सिर्फ प्रकाश नहीं ऊर्जा भी। काला सब सोख लेता है। अगर आप ऐसे स्थान में हैं जहां आप सब कुछ सोखना चाहते हैं, तो आपको काला पहनना चाहिए। पर अगर आप ऐसी जगह काला पहनते हैं जहां आप सोखना नहीं चाहते, पर आप पहनते हैं क्योंकि आप पतले दिखते हैं, तब आप हर तरह की चीज इकट्ठी करने लगेंगे। ये कहना काफी अलोकप्रिय होगा, पर मैं कहूंगा कि लोगों में कम 25% मानसिक संघर्षों की वजह लंबे समय तक ऐसी स्थितियों में काले कपड़े पहनकर होना है जहां उन्हें नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से, क्योंकि क्योंकि काला हमेशा बुरा माना जाता है, मुझे ये नहीं कहना चाहिए, पर एक तरह से काला नकारात्मक माना जाता है। काले को ज्यादा दिव्य नहीं माना जाता। ब्लैक इज कंसिडर्ड डेविलिश, द डेविल कम्स ही विल डेफिनेटली कम इन ब्लैक क्लोथ्स। काला शैतानी माना जाता है, कहते हैं शैतान काले कपड़े में ही आता है, इसलिए लोग काले कपड़े पहनकर शोक जताते हैं। अगर कोई मर जाए तो काला कभी नहीं पहनना चाहिए। अगर आपके आसपास मृत्यु हुई है तो आपको हमेशा सफेद पहनना चाहिए, क्योंकि आप वैसी ऊर्जा सोखना नहीं चाहते। पर मैं देखता हूं कि मृत्यु पर हर कोई काला पहनता है, जीवन की बिल्कुल गलत समझ, कोई जागरूकता नहीं है। आपने सिर्फ अपना तर्क लगाया है और आपको लगता है काला मृत्यु दर्शाता है। हाँ, ये सच है, मैं ना नहीं कह रहा, पर आप मृत्यु बनना चाहते हैं या उससे दूर रहना चाहते हैं? जो मर गए वे मर गए, हम उनका सम्मान करते हैं, पर जो जिंदा है उन्हें जिंदा रहना चाहिए, उन्हें ऐसी चीजें सोकर आधा मुर्दा नहीं बनना चाहिए। तो अगर कुछ ऐसा है जिसे आप सोखना नहीं चाहते, तो आपको सफेद पहनना चाहिए। बाकी सारे रंग बीच में हैं, सभी काले और सफेद के बीच में हैं।
सफेद सब लौटा देगा, काला सब सोख लेगा, बाकी रंग कुछ हिस्सा लौटाते हैं, वे मजे के लिए हैं। पर जहां आप वाकई कुछ सोखना चाहते हैं वहां काला पहने, जहां आप कुछ नहीं सोखना चाहते वहां सफेद पहने, तो काफी लंबे समय से उल्टा हो रहा है। काले कपड़ों में सड़क पर मत जाइए, काले कपड़ों में ऑफिस मत जाइए। मैं काले कपड़ों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस काले कपड़े की नहीं। काले कपड़े पहनकर सबवे में मत जाइए, मेरा मतलब रेलवे स्टेशन खाने की जगह नहीं। सब मिक्स हो रहा है। वहां काले कपड़े मत पहनिए जहां का माहौल आप खुद में उतारना नहीं चाहते, क्योंकि उससे आपकी ऊर्जा के काम करने का तरीका, आपके भीतर मौजूद मानसिक स्थिरता और कई दूसरे पहलू तय होते हैं। रंगों के अपने तरीके हैं।